एम किंग स्पोर्ट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एसआरएच वर्सेस डीसी के होने वाले मुकाबले जो कि 3400 मुकाबला आईपीएल 2023 का। यह मैच 24 अप्रैल को राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम हैदराबाद में होगा। गाइस, इस सीजन में अब तक दोनों टीमों में कुछ खास प्रदर्शन नहीं किया है। दिल्ली ने अब तक 6 मैचों में केवल एक बार जीत हासिल की है और उसी के साथ पॉइंट टेबल पर सबसे नीचे स्थान पर है और हैदराबाद 9वें नंबर पर है। गाइस, एम किंग स्पोर्ट्स भारत का उभरता हुआ नया स्पोर्ट्स चैनल है। हमारे प्रेडिक्शंस एक्यूरेट 100% एक्यूरेसी के साथ आप हमारे टेलीग्राम पे देख सकते हैं, जाके एम किंग स्पोर्ट्स टेलीग्राम। साथ में गाइस, हम ड्रीम 11 की और फैंटेसी लीग की जो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स दे रहे हैं, आप जाके हमारा काम दे सकते हैं टेलीग्राम पे, वो लोगों को लाखों रुपए कमा के दे रही है। गाइस, तो गाइस हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और डिटेल अगर आपको एनालिसिस चाहिए किसी भी मैच की तो mkingsports.com हमारी वेबसाइट पे जाके हमारे ब्लॉग्स को पढ़िए और डेली अपडेट्स के लिए इंस्टाग्राम चैनल को हमारे लाइक कीजिए। गाइस, उस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब हम बात करते हैं गाइस वेन्यू स्टैट्स की। ये जो पिच है वो बैटिंग के लिए बहुत शानदार पिच है गाइस, प्लस गाइस ये पेसर्स के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पिच साबित हो। रीसेंट रिकॉर्ड की बात करते तो लास्ट 5 टी20s में एवरेज रन 178 हुआ है, टोटल विकेट्स 55 हुए हैं और पेसर्स ने 33 विकेट लिए गाइस, ठीक है, और स्पिनर्स ने 22। तो इसी हिसाब से आपको अपनी ड्रीम 11 की टीम बनानी है गाइस। साथ में अगर हम गाइस एक और बात करें हेड टू हेड की, तो जो टोटल मैचेस प्लेड हुए गाइस 11 मैचेस जो, इसमें दोनों टीमों ने 5-5 मैच जीते हैं गाइस। यस गाइस, तो यानी बैलेंस पड़ला चल रहा है गाइस, दोनों का बैलेंस है ये टीम। अब एसआरएच आपको बताइए गाइस हार रही है, हारते हुए आ रही है और वो वापसी का मौका जरूर करना चाहेगी इस मैच में गाइस। तो एडन मार्करम अपनी टीम को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा और हैरी ब्रुक को इस खेल में सॉलिड शुरुआत करनी होगी। यहां ब्रुक की अहम भूमिका होगी, क्यों गाइस? क्योंकि हमने देखा था कि आज शानदार शतक जमाया था हैरी ब्रुक ने। अब वही शतक की उम्मीद हैदराबाद उनसे कर रही है, क्योंकि हैदराबाद एक बहुत सॉलिड टीम है गाइस, बस नीचे पड़ी है। प्रॉब्लम ये है पॉइंट टेबल पे। टॉप बैट्समैन अगेन हम यही कहेंगे, ड्रीम 11 फैंटेसी लीग खेलते हैं तो हैरी ब्रुक को जरूर रखिएगा। बॉलर्स में भुवनेश्वर कुमार, पर यहां पे गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा हैरी ब्रुक के साथ में एडम मार्करम और मार्को येनसन, ठीक है गाइस। और बाकी मैं आपको दिल्ली कैपिटल के प्रीव्यू की अगर हम बात करें गाइस, तो डीसी ने केकेआर को हराकर लगातार 5 हार के बाद अपनी पहली जीत हासिल की थी गाइस। टीम का बैटिंग लाइनअप लगातार खराब होता दिख रहा है, सिर्फ डेविड वार्नर है जो कि रन बना रहे हैं और उसके बाद में हम देखते हैं कि पृथ्वी शॉ थोड़े बहुत रन जोड़ पा रहे हैं। डीसीबी के जो गेंदबाज है गाइस, उन्होंने पिछले मैचों में अच्छा तो परफॉर्म किया था, मगर उनके जो मेन गेंदबाज है हेनरिक नौकिया और साथ में अक्षर पटेल जो कि एक बहुत ही शानदार ऑलराउंडर की भूमिका निभाते हैं, उन्हें और लोगों का साथ भी चाहिए। तो मिचेल मार्श हो गए, कुलदीप यादव हो गए, इन्हें भी सही गेंदबाजी करनी पड़ेगी गाइस, क्योंकि मिचेल मार्श और कुलदीप यादव उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर रहे जिससे डीसी जीत पाए। अब गाइस अगर हम यहां पे देखें, टॉप बैट्समैन अगेन डेविड वार्नर है और टॉप बॉलर हेनरिक नौकिया है गाइस। साथ में गाइस अगर हम बात करते हैं पिच रिपोर्ट की जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो राजीव गांधी स्टेडियम बल्लेबाजी के लिए अच्छी सतह है गाइस। इस मैदान पर बल्लेबाज खुलकर अपने स्ट्रोक्स खेल सकते हैं। बिल्कुल गाइस, हमने कई मैचों में देखा भी है कि स्टार्टिंग में पिच सपोर्ट करती है। टॉस जीतना बहुत अहम होगा गाइस, टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना चाहेगी, यह ट्रैक खेल की शुरुआत से गेंदबाजी की सहायता भी करता है। तो गाइस अगर ड्रीम 11 फैंटेसी लीग टीम आप खेल रहे हैं तो हम आपको कहेंगे कि आप हैरी ब्रुक को, एडम मार्करम, मार्को येनसन, अभिषेक शर्मा, इन्हें तो जरूर जरूर आपको अपनी टीम में रखना ही रखना है, ठीक है। और हेनरिक लार्सन एक की प्लेयर बनकर निकलेंगे गाइस। अगर डीसी की बात करें तो डेविड वार्नर तो रख नहीं है, कुछ ही हो जाए पृथ्वी शॉ भी कमाल का गेम दिखा सकते हैं कल। मिचेल मार्श की प्लेयर साबित होंगे गाइस, हेनरिक नौकिया कुलदीप यादव तो है, पर मिचेल मार्श आप देखिएगा कि की प्लेयर बनके कल कहीं ना कहीं साबित होंगे। और रोमन पॉवेल, तो गाइस अक्षर पटेल को आप कैप्टन वाइस कैप्टन बना सकते हैं गाइस, ठीक है, एंड मिचेल मार्श को भी बना सकते हैं। साथ में अगर आप उधर से देखें तो हैरी ब्रुक और एडम मार्करम, मार्को येनसन, ये बहुत बड़े की प्लेयर साबित हो सकते हैं। प्लस गाइस टॉस के बाद में आपको एग्जैक्ट टीम जो कि आपको ड्रीम 11 में, माई ड्रीम 11 में जिता सकती है लाखों करोड़ के प्राइस, वो आपको वहां पे मिलेगी, ठीक है गाइस। तो टॉस के बाद आपको एम किंग स्पोर्ट्स चैनल पे, हमारे टेलीग्राम पे टीम मिलेगी। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, जो लोग मैच खेलते हैं गाइस वहां पे हम बहुत शानदार काम दे रहे हैं गाइस, जो लोग मैच खेलते हैं उनके लिए वहां पे आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट मैच विनर मिलेगा गाइस। और जो लोग मैच खेलते हैं तो उन्हें वहां पे बकायदा मैच विनर भी मिलेगा, कब उन्हें लॉस कट बुक सेट करना है वो भी बताया जाएगा गाइस। तो चैनल को जाके लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए गाइस, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, और आप स्पोर्ट्स लवर है और आप डिटेल एनालिसिस चाहिए तो आप mkingsports.com पे जाइए और हमारे ब्लॉग्स को पढ़िए, बायोग्राफीज को पढ़िए, प्लस डेली मैच अपडेट्स के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। आपको डेली शॉर्ट्स दिए जाते हैं ताकि आपके पास टाइम अगर इतना ना हो तो आप वो भी देख सकते हो, और साथ में Instagram चैनल पे मैच की दुनिया के अपडेट्स मिलेंगे गाइस आपको। थैंक यू गाइस हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करने देने के लिए और इतना प्यार देने के लिए। ओके।